हेलो एवरीवन, वर्धमान करियर प्लेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता तो चल ही चुका है कि हमारा जो सीटेट दिसंबर 2024 में होने जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं इसमें, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, अकॉर्डिंग टू योर नोटिफिकेशन आपका जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा 1 दिसंबर 2024 को होगा, रविवार को जो एग्जाम होगा। और आपको जो ऑनलाइन प्रोसेस है फिल करने का, फॉर्म फिल करने का, वो स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख को, स्टार्ट हो रहा है 17th of September 2024 को स्टार्ट होगा आपका। और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हो 16th October 2024 रात 12 बजे तक आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। तो आपके इस नोटिफिकेशन के साथ ये भी दिया हुआ है कि पेपर 2 है जो आपका, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 1 दिसंबर को, और पेपर 1 है आपका इवनिंग शिफ्ट जो है उसमें होगा। और अगर साथ ही साथ में नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है क्लियर कि अगर किसी सेंटर में कुछ ऐसा हो कि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेगा, तो उस जो एग्जाम है वो बजाय कि 1 दिसंबर को होने, वो उससे एक दिन पहले जो है वो 30th नवंबर को होगा। तो ये क्लियर बात लिखी हुई है, आपको ये चीज मानकर चलनी पड़ेगी कि कुछ अगर सेंटर अगर आपका हैवी हुआ तो आपका एग्जाम 1 की बजाय 3 30 तारीख को एक दिन पहले भी प्रीपोन भी हो सकता है। और फिर रहेगा कि फीस स्ट्रक्चर जो है इसका, फीस आपको जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज जो है पेपर 1 और पेपर 2 ओनली 1000 है। और पेपर 1 और 2 जो दोनों के दोनों जो है वो फिल करना चाहते हैं उनको 1200 है, 1200 है। और ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर 1, अगर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर 1 या पेपर 2 देना है तो उसके लिए उनको 500, और अगर वो दोनों फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 600 जो है वो उनको फीस जो है उनको पे करना पड़ेगा। और जो फी जो है ऑनलाइन मोड के ऊपर आप उसको पे करवा कर सकते हो। उन्होंने बिल्कुल दिया हुआ है कि आपका जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन मोड पे रहेगा, सो दैट अपना जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है आपने वो बिल्कुल एक्टिवेट रखें इसको फिल करने के लिए फॉर्म को। और जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं आई है उस स्ट्रक्चर में। पेपर 1 और पेपर 2 में बिल्कुल वही कंपोनेंट्स रहेंगे जो पहले रहे थे। CDP पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 की अगर बात करें तो CDP मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी हम ले। अगर बच्चों जो लैंग्वेज 1 रहती है, लैंग्वेज 1 को आप अपनी जो मदर टंग है उसको चूज कर सकते हो, मदर टंग आप अपनी लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 2 है वो आप इंग्लिश ले सकते हो या अदर देन मदर टंग ले सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो पेपर, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब में अगर आप इसकी पेपर 1 की लैंग्वेज 1 की बात करें तो आप लैंग्वेज 1 में ले सकते हो पंजाबी। और जो लैंग्वेज 2 है उसमें आप आपका चॉइस रहेगा, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश ले सकते हो, अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज उसमें आप कर सकते हो। सेम क्राइटेरिया जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को ऑप्ट करने का पेपर 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। पेपर 1 के जो पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल कंपलसरी रहेंगे, साथ में लिखा हुआ है कि जो कंपलसरी है 150 मार्क्स का एग्जाम रहेगा इसका। हर एक कॉम्पोनेंट की वेटेज जो है 30-30 की वेटेज के साथ ये चलेंगे। और जैसे हम बात करते हैं पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में क्या रहेगा, CDP जो है वो उनका कंपलसरी रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से। मैथमेटिक्स और साइंस जिसका कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने मैथ्स और साइंस BSc किया है, मेडिकल नॉन मेडिकल किया है, तो वो मैथ साइंस में लेकर के जाएंगे। जो बच्चे मैथमेटिक्स के साथ BSc विद मैथमेटिक्स और जिनका BEd का कॉम्बिनेशन मैथ्स के साथ है तो वो बच्चे भी इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए मैथ्स और साइंस के टीचर लगना चाहते हो उसके लिए मैथ साइंस है, SS के लिए SST है। और उसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप लोगों ने कैसे लेना है और कैसे करना है, आपको इस बात की समझ आ चुकी है। तो इसकी भी जो वेटेज रहेगी वो आपकी रहेगी
जो कंपलसरी पेपर है सीडीपी का, उसकी 30 मार्क्स की वेटेज रहेगी। आपका जो सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट है 66 मार्क्स का रहेगा, और जो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू है उसमें से आपको 30 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 150 MCQs रहेंगे, एक एक मार्क्स की वेटेज के हिसाब से 150 नंबर का आपको पेपर रहेगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस जो है आपका, जो बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इस बारे में कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इस दफा सीटेट दिसंबर 2024 होने जा रहा है, सिलेबस में कौन कौन सी चेंजेस लेकर के आया है उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो जब पहले था तो उसमें क्या था कि सीडीपी में 23 टॉपिक सीडीपी के होते थे, इंग्लिश के 9 टॉपिक होते थे, पंजाबी और हिंदी के राम लाके अगर बात करें तो 9 टॉपिक्स उसमें होते थे, ईवीएस के विद पैडागॉजी 20 चैप्टर्स बनते हैं, मैथमेटिक्स के 14+ पैडागॉजी, साइंस के 11+ पैडागॉजी, और एसएसटी के 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपके उसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे कि चेंजेस क्या है, और चेंजेस के बारे में बात करने के लिए वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहना। सबसे पहले आपके दिमाग में जो सवाल है कि पेपर तो देखो 1 दिसंबर को होने जा रहा है, तो आपके पास समय जो है वो बहुत कम है, लगभग आपके पास जो समय है 2 महीने 12 दिन का समय है, और इसमें से आपके 1 हफ्ता तो अपने फॉर्म वगैरह फिल करने में निकल जाएगा। तो आपके सामने चैलेंज है कि 2 महीनों में आपने अपनी तैयारी जो है वो करनी कैसे है। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो 2 महीनों में, तो आपको डेफिनेटली वर्धमान करियर प्लेस को ज्वाइन ही करना पड़ेगा। वर्धमान करियर प्लेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, www.vardhmancareerplace.com। उसके ऊपर आप हमें टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, आप हमें हमारी जो ऐप है वर्धमान करियर प्लेस की, उसके जरिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप क्यों आओगे हमारे पास, आने की वजह क्या रहेगी, अगर आप वाकई ही इस दफा अपना सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वर्धमान करियर प्लेस के पास आना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर आपको मिलेगा हर एक कंपोनेंट का एक एक टीचर। कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक ही टीचर सारे कंपोनेंट पढ़ा रहा है, स्मार्ट ट्यूटर्स की टीम मिलेगी, 5 ट्यूटर्स की टीम मिलेगी आपको, अपडेटेड बायलिंगुअल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, अपडेटेड बायलिंगुअल हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में मिलेगा, आप अगर इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में, पंजाबी वाले बच्चों के लिए पंजाबी में भी प्रोवाइड किया गया है मटेरियल, तो मटेरियल आपके पास तीनों लैंग्वेज में रहेगा। ऑनलाइन के ऊपर हाई डेफिनेशन क्वालिटी के ऊपर क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है साथ में, साथ ही साथ में आपको मिलेंगे कि एमसीक्यू सीरीज मिलेंगे, और इंस्टीट्यूट के अगर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट में 150+ स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में क्वालिफाई करके जा चुके हैं अपना सीटेट, और अपना बेहतरीन भविष्य जो है वो उन्होंने बना लिया है वर्धमान करियर प्लेस के साथ। क्लासेस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के ऊपर अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर आप देखो कि ये हमारी रिसेंट की सिलेक्शंस है कि बच्चों जो अभी अभी 2023 और 2024 के में बच्चों ने, ये इतने बच्चे हैं जिन्होंने हमारे जहाँ से इस इंस्टीट्यूट में वर्धमान करियर प्लेस में से जिन्होंने अपना टेट सीटेट और पीटेट क्वालिफाई किया, तो हम उम्मीद करेंगे कि अगला फोटोग्राफ इसमें आपका रहेगा। वर्धमान करियर प्लेस में ओवरऑल अब तक की जो सिलेक्शन है 1900 की सिलेक्शन के साथ वर्धमान करियर प्लेस एक्सीलेंट कोचिंग आप बच्चों के लिए लेकर के आया है। तो पीटेट और सीटेट दोनों ही कोर्सेज के लिए हमारी जो लाइंस है वो बिल्कुल ओपन है, तो एडमिशन ओपन है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वर्धमान करियर प्लेस में अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए बेटे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एडमिशन के लिए जस्ट आप फोन नंबर उठाएं और आप इन फोन नंबर्स के ऊपर कॉल करें और अपना एडमिशन जो है वो